एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज मैं इस वीडियो में ऑर्गन डोनेशन और ग्रीन कॉरिडोर की कितनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में वो बताना चाहती हूँ। भारत में हर साल 5 लाख लोग मर जाते हैं क्योंकि उनको ठीक समय में ऑर्गन डोनेशन नहीं मिलता। क्या आपको मालूम है कि एक इंसान 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, और वो कैसे? वो कोई लड़ाई झगड़ा अपने दुश्मनों को मार के नहीं, बल्कि अपने ऑर्गन डोनेट करके, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, बोन मैरो और फेस टिश्यू। और जो ये ऑर्गन डोनेशन है ये 65 साल की उम्र तक ही कर सकते हैं। और जो ऑर्गन डोनेशन है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो ज़िंदा इंसान अपनी लीवर और किडनी का एक पार्ट किसी दूसरे इंसान को डोनेट कर सकता है, और उसके बाद वो उसकी एक ज़िंदगी तो बचा सकता है और अपनी ज़िंदगी भी जी सकता है। दूसरा तरीका है, जब इंसान मर जाते हैं तब भी वो अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। और उससे पहले डॉक्टर जब भी किसी इंसान का ब्रेन डेड घोषित कर देते हैं, तब उस मरे हुए इंसान के जो ऑर्गन हैं वो किसी भी ज़िंदा इंसान जिसको किसी भी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है उसकी, उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और अब मैं बताना चाहूँगी कि ये ऑर्गन डोनेशन का आइडिया कहाँ से आया, किसने किया और कब किया। ये 1954 में 2 जुड़वा भाई थे, और एक भाई जिनकी हालत बहुत ख़राब थी, उनकी किडनी बिल्कुल ख़राब थी, और जो दूसरे भाई जिनका नाम रोनल्ड ली था, उन्होंने अपनी एक किडनी अपने भाई को देना चाहा, और उसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया और डॉक्टर मरे ने ये ट्रांसप्लांट किया, और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक थे दूसरे भाई। और उसके बाद 1990 में जो डॉक्टर मरे थे उन पुरस्कार भी मिला था कि इम्पोर्टेंस को समझा, और इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, और वो थी सड़कों के ऊपर खचाखच ट्रैफिक का होना, जिसकी वजह से ज़रूरतमंद लोग थे उनको ऑर्गन ठीक टाइम में उनके पास नहीं पहुंचता था और उनकी मौत हो जाती थी। जब ये और वो जो समस्या थी वैसी की वैसी बनी रही, तब सरकार ने एक सेवा शुरू की और वो थी, उसका नाम रखा उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर। आप लोगों को ग्रीन कॉरिडोर के बारे में बताना चाहूँगी ये क्या है। ग्रीन कॉरिडोर एक खास तरह का रूट होता है जिसे हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग और पुलिस की मदद से एक टेम्प्रेरी ट्रैफिक लेस रूट बनाया जाता है। कुछ देर के लिए ट्रैफिक पुलिस जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है उसे रोक देती है, और इस रूट में पुलिस के अलावा किसी की एंट्री नहीं होती। और ये जो रूट है मेडिकल इमरजेंसी के लिए बनाया जाता है। जैसे कई बार पेशेंट काफ़ी सीरियस होता है, उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब सड़क पर एम्बुलेंस के लिए एक रास्ता बना दिया जाता है। इससे एम्बुलेंस बिना ट्रैफिक में फंसे मरीज को ठीक समय में हॉस्पिटल पहुँचा देती है। ग्रीन कॉरिडोर का इस्तेमाल ज़्यादातर ट्रांसप्लांट के लिए, बॉडी पार्ट को जब एक जगह से दूसरी जगह में ठीक टाइम पे पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे ही हॉस्पिटल से पुलिस को पता चलता है कि ऑर्गन लेकर के एम्बुलेंस आ रही है, तभी पुलिस एक्टिव हो जाती है और जगह जगह रास्ता खाली रखती है ताकि एम्बुलेंस को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही एक केस था, अहमदाबाद से दिल्ली एक लीवर को लाया जा रहा था। अहमदाबाद से दिल्ली की जो दूरी थी वो 950 किलोमीटर थी, और एम्बुलेंस ने ये रास्ता सिर्फ 3 घंटों में पूरा किया और मरीज की जान बचाई। ऐसे ही एक इंसिडेंट और भी है। 29 मार्च 2022 को एक पेशेंट जिसका नाम भूपेंद्र था, वो दिल्ली के रहने वाले थे, उन्होंने अपने ऑर्गन हैदराबाद के 8 लोगों को दे करके उन लोगों की जान बचाई। और ये सब कुछ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, ट्रैफिक पुलिस और एयरपोर्ट स्टाफ की मदद से हुआ, और ताकि ट्रांसपोर्टेशन अर्ली और क्विक हो सके। अब मेरी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने ऑर्गन डोनेट करूँगी, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी लोगों की हेल्प करें। और अब मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी दूसरी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।